हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम को 90 में स्वागत है। साथियों, चलिए आप लोग देख सकते हैं आज का जो सेट है हमारा SST है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, जो कि सोशल साइंस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, सामाजिक अध्ययन है। अगर एग्जाम को 91 पर नए साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते हैं। साथियों, देख सकते हैं आपका क्वेश्चन है 121 नंबर से। कब से कहाँ से 121 नंबर से हम लोग पढ़ते हैं। 121 में बोला गया है, चलिए पढ़ते हैं, किन तरीके से अमूर्त परिवर्तनवादियों नेताओं ने 19वीं शताब्दी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्र सरकार प्रकट किया था। साथियों, राष्ट्रीय सरकार भी प्रकट किया था आपका, एक ही सही हो जाएगा। एक में बोला गया साथियों, वृद्ध सभा प्रदर्शन का आयोजन और राजस्व के लिए घोषणा करके। साथियों, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, स्लेट और संगमरमर किस के उदाहरण है। साथियों, स्लेट और संगमरमर जो है आपका साथियों, आपका क्रियांतरित किसका है साथियों, क्रियांतरित सेल का उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ते तब तापमान क्या होता है। साथियों, तो आपका तापमान पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। साथियों, क्षोभ सीमा से मध्य सीमा में जाएंगे पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घटेगा। साथियों, निम्न में से कौन लेटिंग शब्द का अर्थ स्थिर से लेटिंग शब्द बोला गया है। ध्यान से देना, ध्यान से देखना है आपका, लेटिंग शब्द जो है आपका MP सही हो जाएगा। बी में बोला गया है सोडियम। चलिए देखिए आप लोग, सेडिमेंटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, लेटिंग शब्द का अर्थ स्थिर होता है, सेडिमेंटम है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाक्य चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, कपास उपयोग में सूती कमीज बनाने तक के सभी चरण कौन से हो सकते हैं। साथियों, कपास है साथियों, तो सबसे पहले आपका कटाई होता है, फिर वटाई होता है, फिर कताई होता है, फिर बुनाई होता है। सबसे पहले होता है कताई, क्या होता है कताई, उसके बाद वटाई, उसके बाद कताई, उसके बाद बुनाई। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्य से लोगों को प्रवास की अनुमति नहीं दे, प्रवास की अनुमति क्या साथियों नहीं देंगे, तो यह किस प्रकार या किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। साथियों, तो आपका जो ये मौलिक अधिकार होगा आपका 2 सही हो जाएगा। 2 में बोला गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अध्यापक अपने आपसे उन रणनीतियों को अपनाने के लिए पूछ सकती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या उपलब्ध है। सही बात है साथियों, तो विद्यार्थी जो है, अध्यापक जो है, सबसे पहले करेगा क्या गतिविधि पर लड़का और लड़कियों की रुचि का प्रतिबंध करते हैं। सही बात है, जो गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं क्या उन्हें अनुभव प्रदान करने हेतु गतिविधि देने के लिए विकल्प साधन प्रदान किया जा सकता है। ये सही है साथियों, उसके बाद सी में सी आपका गलत है। सी में बोला गया है क्या प्रयोग की गई सामग्री आवश्यक शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि का अनुभव के पर प्रतिबंध करता है। सही बात ये नहीं है साथियों, प्रतिबंध हम लोग नहीं लगा सकते, इसलिए आपका ए भी सही है और सी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट ए भी विचार करना साथियों, विचार करने पर आंसर जो आपका आएगा साथियों, आपका आंसर एक आएगा। एक में बोला गया है कि बच्चे के साथ निर्देशनात्मक अंत, बच्चे के साथ निर्देशनात्मक अंत क्रिया क्लास स्कूल में वास्तविक अवधि में कम अवधि के होनी चाहिए। सही बात है, उसके बाद गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षक को विशेष समय निकालने की जरूरत होती है साथियों, आपका ये भी सही है साथियों, आपका दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, नेक्स्ट में परियोजना विधि का पहला चरण कौन सा होता है, तो आपका स्थिति बनाना साथियों, परियोजना विधि का पहला चरण होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सृजनात्मक प्रतिक्रिया में सृजनात्मक पहलू का आकलन करता है साथियों, तो कौन सा करता है, कौन सा स्थिति है साथियों, तो आपका 4 हो जाएगा। 4 में बोला गया है, सबसे पहले
आपका बी है, बी में भारत में एक प्रदेश से चयन किए हुए इसकी इसकी विभिन्न को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक एवं भौगोलिक घटनाओं की पड़ताल जांच और प्रस्तुतिकरण बनाए। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका सी भी सही है साथियों। आपको इस्तेमाल में कूड़ा कैसे एकत्रित इकट्ठा किया जाता है, आप किन तरीके को व्यक्तित्व को सुझा सुरक्षा प्रदान कर सकते साथियों, आपका ये भी सही है। उसके बाद आपका एफ सही है साथियों। कौन सा एफ तो दिया हुआ भी नहीं है साथियों, एफ की जगह पर ई मारिए। ई में साथियों, आप मछुआरे के परिवार के सदस्य हैं और नाव के इंजन को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता है, बैंक प्रबंधक को अधिचयन पत्र लिखें। सही बात है साथियों। आपका ए बी और ई हो जाएगा, यहाँ एफ जो है गलती मिसटाइपिंग हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है, अगर आप अगली इतिहास की कक्षा में उपनिवेशन शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन के एक परिवर्तन के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, आप इनमें से किन विषय या क्षेत्र पर बल देंगे साथियों, कौन सा क्षेत्र पर बल देंगे? तो हम लोग जो देंगे साथियों, आपका ए सही हो जाएगा। विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियां साथियों, सही बात है। उसके बाद आपका जो बी हो जाएगा, अंग्रेज की आवश्यकताओं का दरबारी चित्रकारों पर प्रभाव साथियों। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते साथियों। नेक्स्ट में आपको बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन पद्धति छात्राओं को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करता है साथियों? तो आपका अधिगम की तरह आकलन, क्या साथियों? अधिगम की तरह आकलन है साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। बोला गया नेक्स्ट में, आप कक्षा में विविधता और समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं, आप व्यक्ति अध्यापन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझते हैं कि नहीं, आप आकलन के तौर पर करेंगे साथियों, कौन सा तौर करेंगे? तो हम लोग रचनात्मक आकलन करेंगे साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्के को दिखाया गया था साथियों? का समुद्रगुप्त जो थे साथियों, का बिना का था, कैसे था? बिना को बजाते हुए दिखाया गया था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों, इतिहास के अवधिकरण पर क्रमशः ए बी सी का पर विचार करना साथियों। इतिहास को जो है वो बोला गया था साथियों, आपका अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत में इतिहास को तीन युग में बांटे थे, सही बात है। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित है, ये बात भी सही है साथियों। और विभाजन में उपमहाद्वीपों की अपार विविधता की उपेक्षा की गई थी साथियों। आपका तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया, महिलाओं से जुड़े हुए सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन पर विचार किया जाए? महिलाओं से जुड़े हुए सुधार के बारे में साथियों, महिलाओं से जुड़े हुए सुधार में सबसे पहले आपका आ जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के मुद्दे को उठाया था, सही बात साथियों। और मद्रास प्रेसिडेंसी में बरिश लिंगम पंतनु ने विधवा विवाह का समर्थन पर एक संगठन बनाया था, आपका दो भी सही है साथियों। लेकिन आपका तीन जो है साथियों, आपका गलत है, आपका ए और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले की चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, ए बी को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है साथियों। आपका ए जो है साथियों, पृथ्वी का खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है, गलत हो गया। आपका गुरुत्वाकर्षण बल से सौरमंडल को हम लोग बांधे रखता है साथियों, बल्कि खिंचाव बल से नहीं। ब्राह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर और चट्टान से नहीं बना होता साथियों। ब्राह्य ग्रह जो आपका होता है, आपका गैस से बना होता है, और आंतरिक ग्रह जो होता है आपका चट्टान से बना होता है साथियों। इसलिए आपका दोनों गलती हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। तो दोनों के दोनों सही है। जिन स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधारा मिलती है, वह स्थान विश्व भर सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है साथियों। आपका ये बात सही है साथियों। और जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वह स्थान नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करती है, आपका ये भी बात सही है साथियों। इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया, जल एक संसाधन के संबंध में ए बी सी को ध्यान में रखते हुए विकल्प को चुनना है साथियों। आपका पृथ्वी पर जल
ना बढ़ाया जा सकता ना ही घटाया जा सकता, पर सही बात है साथियों, केवल 2.7% पृथ्वी पर पानी मानव उपयोगी के लिए प्रयुक्त है साथियों। तो आपका ये बात भी सही है साथियों, 2.7 का मतलब हुआ साथियों 3/4, और 3/4 में आपका पीने योग्य पानी कितना है तो 1/4 है साथियों। चलिए और उसके बाद 3 में बोला गया साथियों, 3 में भी आपका सही है, यह जल एक नवीकरणीय संसाधन है, सही बात है साथियों, आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है साथियों। तो आपका ग्राम पंचायत से किससे साथियों, तो आपका ग्राम पंचायत से है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे में बोला गया है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय पर बेचती है, वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लाने जाती है, फिर घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने जाती है साथियों। तो ये जो बोल रहा है साथियों, ये आपका दोहरा बोझ के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका दोहरा बोझ के बारे में बोल रहा है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे विचार करना है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका ए में बोला गया है, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदाय के लिए किया जाता था जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादियों के मुकाबले बहुत कम होते थे साथियों। सही बात है, अल्पसंख्यक मतलब हो गया आपका जो है, अल्पसंख्यक का मतलब हो गया आप छुआछूत जाति साथियों। उसके बाद अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं थे बल्कि सत्ता संसाधन तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए थे, आपका दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों, आगे में देख सकते हैं बोला गया है, सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं साथियों, किस किस से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो है, आपका एक सही हो जाएगा, परियोजनाओं और आइसाइमेंट के क्रियान्वयन के माध्यम से रटने को समझाने के लिए, आपका ये बात सही है साथियों। उसके बाद आपका स्कूली पुस्तक को सुचारू संचालन और संसाधन का उपयोग में लाने की शिक्षिका की क्षमता सृजनात्मक है साथियों, का ये भी बात सही है साथियों, आपका ए भी सही है और डी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बोला गया है, मानव के लिए आप छात्र के वेतन दायित्व करना सिखाना चाहती है, तो निम्न में से कौन सा अति प्रासंगिक हो सकता है साथियों। तो आपका श्रमिक से आंकड़ा एकत्रित करना ये हो सकता है, वेतन पर सरकारी विवरण ये भी हो सकता है साथियों। उसके बाद श्रम कानून संहिता आपका ये भी हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता व्यय का संरक्षण पर डी नहीं हो सकता साथियों, आपका इसलिए ए बी और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बोला गया साथियों, निम्नलिखित एक वशिष्ठ परियोजना रिपोर्ट में कुछ भाग है साथियों। तो जो आपका कुछ भाग है, कर्म्स लगाना है साथियों, कर्म्स लगाना है, तो आपको सबसे पहले सी हो जाएगा, शोध प्रश्न के लिए पृष्ठभूमि, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा डी नंबर, डी में बोला गया वर्गीकरण तथा आंकड़े को एकत्रित करना, ये भी बात सही है साथियों। उसके बाद आपका ए हो जाएगा विश्लेषण तथा चर्च करना, ये भी बात सही है साथियों। उसके बाद सारांश तथा निष्कर्ष, आपका ये भी बात सही है साथियों, इसलिए आपका। और लास्ट में हो जाएगा आपका सुझाव परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा कर्म हो सकता है साथियों, तो आपका ए बी सी और डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है, विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, या चिन्हित करता है साथियों, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं साथियों, तो आपका विविधता का कारण हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं, बोला गया है साथियों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक के लिए आकलन निश्चित करता है साथियों। तो आकलन जो करता है आपका शिक्षक का अपनी शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया पुनरावलोकन समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दृश्य निर्देशक का उपयोग करता है साथियों, सही बात है, आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों, आपका ए और सी होगा साथियों, आपका डी गलत हो गया। आकलन की बहुविधि रणनीति का प्रयोग करना, आपका ये बात भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया है, इतिहासकार समय के केवल घंटे दिन वर्ष के बीतने के रूप में देखते हैं, गलत हो गया, घंटा दिन और वर्ष बीतने के रूप में नहीं देखा जाता है। उसके बाद समय सामाजिक और आर्थिक संगठन के बारे में परिवर्तन को
दर्शाता है आपका ये बात सही है साथियों, इसलिए आपका ये गलत है लेकिन भी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे बोला गया है आदिवासी के विषय में निम्नलिखित व्यक्ति पर विचार करना, सही विकल्प का चयन करना साथियों। तो अगर सही विकल्प का चयन करने से पहले आपका ए नंबर सही हो जाएगा, आदिवासी मुखिया ने उपनिवेशन काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था, बात सही है साथियों। उसके बाद आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी साथियों, पर ये बात भी आपका सही है साथियों। ए भी सही है और बी भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जलियांवाला बाग के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया था साथियों? तो जलियांवाला बाग जो हुआ था उस समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन किए थे 1920 में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ता है साथियों? तो आपका जो है स्थल संधि जोड़ता है, कौन सा साथियों? स्थल संधि जोड़ता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन से समुद्र के ऊपर तापमान में कमी भिन्नता को समझा सकते हैं साथियों? तो आपका जो होगा साथियों आपका एक सिर्फ सही होगा, समुद्री धाराएं की उपस्थिति तापमान पर स्थिर बना सकती है साथियों, सही बात है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले बोला गया है भारत के इस्पात उत्पादन केंद्र के संदर्भ में विषमता, आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, यही बात गलत है साथियों, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं है साथियों। इसका पद आंध्र प्रदेश में है, विजयनगर कर्नाटक में है, सिलम तमिलनाडु में है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है साथियों? तो पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होता है साथियों, सही बात है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता में मान्यता और निरंकुशता अधिकार के प्रयोग की रक्षा करता है साथियों? तो आपका जो होता है आपका मौलिक अधिकार होता है, क्या होता है साथियों? मौलिक अधिकार होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हुआ गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है साथियों? तो आपका जो प्राथमिक उद्देश्य है साथियों राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौती को समझ विकसित कर सकते हैं। उसके बाद आपका डी हो जाएगा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना साथियों, सही बात है। आपका दोनों आपका बी भी सही है और सी भी सही है, डी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अध्यापक अवसर की उक्ति संसाधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग अन्वेषण और विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर सकते हैं? तो कौन से उपागम का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? तो आपका दो सही हो जाएगा। आपका जो होगा साथियों सामाजिक रचनावादी उपागम, कह सकते हैं सामाजिक रचनावादी उपागम है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वार्ड में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में आपका बोला गया है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बहुत समय और विचारधारा के मूल्य लागू करने का संसाधन के रूप में देखा जाता है, सही बात है। उसके बाद यह सामाजिक विज्ञान की शिक्षण शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहता है साथियों। आपका आप बी जो है आपका असत्य है, आपका ए सिर्फ सत्य है साथियों। चलिए हम लोग आ सकते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक विज्ञान चलिए देखिए क्या बोला गया है। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटनाओं को विभिन्न परिप्रेक्ष्य के प्रति छात्र की सजगता और आकलन करने के लिए किस तरीके का प्रयोग करना चाहिए साथियों? तो आपका नाटक किसका साथियों, सॉरी वाद विवाद का प्रयोग करना चाहिए साथियों। चलिए इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों और मिलान करने का क्वेश्चन है। 16वीं सदी तक अनेक यूरोप निवेशन के नील की खेती कराने का आरंभ किया था साथियों। नील की खेती के आरंभ में कहाँ कहाँ किया गया था वो देखना है हमको। हमको फ्रांसीसी सबसे पहले फ्रांसीसी आया था और फ्रांसीसी सबसे पहले आपका कैरिबियाई द्वीप में किए थे साथियों। उसके बाद पुर्तगाल आया था, पुर्तगाल आपका ब्राजील में किया था साथियों। उसके बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज आपका जमैका में किया था साथियों। उसके बाद स्पेनिश आया, स्पेनिश आपका वेनेजुएला में किया था साथियों। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।